पार्टी चले भारत कम करो काम कम करो कम करो कम करो मोदी मुर्दाबाद 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 योगी मोदी मुर्दाबाद 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 योगी तेरी ताना ताही नहीं चलेगी नहीं चलेगी योगी तेरी ताना ताही नहीं चलेगी नहीं चलेगी योगी तेरी ताना ताही मुर्दाबाद। पूरी जनता, पूरे देश की जनता आज डीजल पेट्रोल की महंगाई से त्रस्त है। हमारा चाहे नौजवान हो चाहे किसान हो, हर व्यक्ति परेशान है। आए दिन डीजल का दाम रोज पर रोज प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसको सरकार को वापस लेनी चाहिए। वास्तविक में डीजल का जो रेट है वो 19.80 रुपया है, लेकिन 80 रुपया डीजल का डीजल पेट्रोल का रेट कर दिया गया। इसको नरेंद्र मोदी को वापस लेना चाहिए। और कल जब हमारे लोगों ने, हमारे समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के विधानसभा भवन के सामने इसका घेराव किया इसके विरोध में, तो लाठियां चार्ज की गई, उनको पुलिस द्वारा सताया गया। ये पुलिस के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, सरकार की गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस सबको परेशान कर रही है। इसको मोदी को सोचना चाहिए, हमारे केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि इस पर अंकुश लगाए। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, डीजल पेट्रोल के दाम वापस लो वापस लो वापस लो, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी 600 जनपद बहराइच। आज आप लोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है, क्या वजह है? हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला इसलिए फूका है, करीब एक हफ्ते पहले हमने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी दिया था, अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर डीजल और पेट्रोल के दामों में जो लगातार जो वृद्धि जो हो रही है, अगर उस पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो हम लोग प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का पुतला इसलिए फूका है क्योंकि चाहे वह किसान हो चाहे वह नौजवान हो, सबके सब महंगाई की मार से पूरी तरह से त्रस्त हैं। जनता बेहाल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मैचुअल रैलियां करने में व्यस्त है। देश की जनता का पैसा वो केवल अपनी रैलियों में लगाने में वो मस्त है, उनसे आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी तमाम हमारे जो मजदूर जो पैदल जो आते रहे, लेकिन उनके लिए, उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए केवल बिहार विधानसभा चुनाव उनको दिखाई पड़ रहा है। अभी जब हमारे नौजवानों ने कल विधानसभा का घेराव किया, डीजल और पेट्रोल के दामों को में जो लगातार जो वृद्धि हो रही है, समस्याओं को लेकर घेराव किया, तो उन पर ये जो पुलिस है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनसे पूरी तरह से लाठीचार्ज करके पुलिस से उत्पीड़न कराने का काम किया। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंक करके ये विरोध जताने का काम किया है, ताकि कम से कम उनके कानों में ये गूंज सुनाई पड़े कि कम से कम आम जनमानस जो पूरी तरह से जो त्रस्त है, और वो लगातार जो अभी शिवपुर में कल जो फोन के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जब बात जब होती है, उसके दो दिन पहले से मुझे जो जानकारी है अपने सूत्रों से कि दो दिन पहले से हमारा जो प्रशासन है जो जिले का, वो लग जाता है उनके घरों में, उनको कपड़ा पहनाने का काम करता है, कोट पैंट की व्यवस्था कराता है। तो इस तरह से झूठे सपने दिखा करके कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी कम से कम उस गाँव की जो गरीब जनमानस है उसकी हकीकत को पहले देखाएं। उसमें तो ये है, दो दिन पहले से डीएम साहब भी लग जाते हैं, एसपी साहब भी लग जाते हैं, जो आम जनमानस की जो गरीबी जो है वो उनको नजर नहीं आती है। किसी को भी आप कोट पैंट पहना करके और किसी से भी आप वीडियो कॉलिंग करा के अच्छी अच्छी बातें आप करा सकते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस महंगाई पर रोक लगाए, और अगर रोक अगर नहीं लगेगी तो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक घेराव करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, उसमें कोई समझौता नहीं है।